एक सवाल है कि गिविन अदान इन द राइट ईयर ऑफ़ न्यू बोर्न एंड अकामा इन लेफ्ट ईयर ऑफ़ न्यू बोर्न इज़ प्रैक्टिस बाई प्रोफेट मोहम्मद वसल्लम किसी भाई का सवाल है कि अगर कोई नया बच्चा पैदा हुआ है तो उसके दाएं कान में अज़ान कहना और बाएं कान में ए कहना क्या ये अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से साबित है आपने ऐसा किया है इसका कोई सबूत है ये इनके सवाल का मफूम है तो देखिए इस बारे में कुछ रवायतें हैं सोनाब दाऊद में और कई कुतब हदीस में रवायतें हैं लेकिन सारी की सारी रवायतें सख्त ज़यीफ हैं बल्कि इसमें से बाज मौजू और मन घड़त भी हैं इसलिए ये चीज सही हदीस से साबित नहीं है इसलिए ये अमल नहीं करना चाहिए किसी भी सही हदीस से साबित नहीं शेख अल्बानी रहमुल्ला ने कभी किसी दौर में इस रवायत को हसन कहा था हसन कहा था कि ये तद तक से हसन हो जाती है तो उस बुनियाद पर परमा का एक मौकफ़ था और एक राय थी कि अजान दी जा सकती है और उससे पहले चूँकि उतनी तहकीक नहीं होती थी तो भी उलमा की एक राय थी लेकिन शेख अलबानी रमला ने जब हसन कहा तो बहुत सारे लोगों ने इसको तस्लीम किया इस पर अमल किया लेकिन बाद में ख़ुद शेख अलबानी रमला ने इससे रुजू कर लिया और शेख अलबानी रमिल फरमाते हैं कि अब मेरे लिए अज़ीफा में उन्होंने तफसील दी है क्या मेरे लिए वाजह हो गया कि इसके सारे तुर्क शदी ज़ीफ़ हैं बल्कि बाज़ मौजू मनगणत हैं इसलिए यह अमल साबित नहीं हुआ और साबित नहीं हुआ तो यह अमल का मामला है इबादत का मामला है तबुदी मामला है आप इसे नहीं कर सकते तो खुलासा ये है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त कानों में अजान देना याकामत कहना यह सही हदीस से साबित नहीं है इसलिए इस पर अमल नहीं करना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें